जब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ में हमारा यूनिट नंबर 9 अप यू गो। तो हमने देखा था आगे की वीडियो के अंदर कि जो उन्होंने क्रॉसिंग रिवर कैसे क्रॉस की थी और उसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर पूछी थी उसके भी क्वेश्चन पूछी थी उसके भी हमने आंसर दिए थे। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट पेज नंबर 80 भी दिया हुआ है रॉक क्लाइंबिंग। अब रॉक क्लाइंबिंग कैसे करते वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर है कि वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। मतलब टेकला विलेज पहुंचने में कितना चल रहा था, 15 किलोमीटर चल रहे थे। आगे बोला है देखो टाइम भी हमें दिया हुआ है 10 फरवरी 1984 को, ये 84 का ये दिन है। तो इट वॉज एट अ हाइट, इट वॉज एट अ हाइट ऑफ 1600 meters, वो 1600 meter की हाइट पर था। और रक्सैक्स का मीनिंग मैंने बोला था कि जो बैग होती है, बैग के अंदर जो सामान होता है उसको बोलते हैं रक्सैक्स। जो माउंटेनियरिंग के लिए बैग होती है उसको बोला जाता है रक्सैक्स। अवर रक्सैक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड, फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, रॉक हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवेल, शॉक, वेंटिलेटर, फिर वेंटिलेटर है, विसर है, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स। तो उन्होंने उनकी बैग के अंदर ये सारा जो सामान है वो डाल दिया था। कौन सा था, जैसे कि वाटर बॉटल है, जो फूड के पैकेट है, एक रस्सी है, फिर हुक है, प्लास्टिक शीट है, डायरी, टॉर्च, टॉवेल, जो टॉवेल है, सोप है, फिर विंड चीटर है, विसल, ग्लूकोज, जैगरी है, चना एंड सम अदर स्नैक्स। आगे बोला है कि वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड्स। तो हमने देखा कि वहां पर स्टेप फील्ड्स, अब स्टेप फील्ड्स क्या होता है, तो स्टेप फील्ड्स ज्यादातर कहां पर देखने को मिलता है, माउंटेन के ऊपर। माउंटेन के ऊपर की समय जो सीधी तरह से जमीन तो होती नहीं है, तो वहां पर ऐसी स्टेप फील्ड्स बनाई जाती है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके स्टेप फील्ड्स बनाए जाते हैं। तो माउंटेन पर जो फिर खेती करते हैं तो वहां पर लोगों को जो फार्मिंग करते हैं वहां पर बोला जाता है स्टेप फील्ड्स। तो वहां पर उन्होंने स्टेप फील्ड्स देखे और उनके अंदर जो वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स है वो उगाए हुए देखे। विशो कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन 90 meters हाई फ्लैट रॉक विद पेग्स एंड रोप। उन्होंने देखा कि जो हमारे कर्नल राम सिंह है वो 90 meter पे वो हाई फ्लैट रॉक, वो 90 मीटर पे खड़े थे वहाँ पर, फ्लैट रॉक विद पेग्स एंड रॉक, पेग्स एंड रॉक्स की जो रस्सी के जरिए वो वहाँ पर 90 मीटर्स तक ऊपर खड़े थे। आगे बोला है वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली एंड आइडेंटिफाई होल्स प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स एंड फीट। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बोला गया है कि आपको पहले जो रॉक्स है उसको फाइंड आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पर पहचान है कि अगर यहाँ पर हम अपना हाथ या भी पैर रख सकते हैं, ऐसी जगह पर अपना हाथ और पैर रखना है कि जहाँ पर से आप फिसलो नहीं, इसीलिए वहाँ पर हमें बोला गया है। आगे बोला है कि टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट। तो उन्होंने जो ये जो गर्ल है उसने बोला कि जो मैंने आज के दिन पीछे नहीं हटी और सबसे आगे रही, क्योंकि उसने रिवर जो क्रॉसिंग की थी उस टाइम वो सबसे पीछे खड़ी थी क्योंकि उसको डर लग रहा था और सबसे पहले उसने रिवर क्रॉस की थी। तो आज उसका जो डर था वो निकल गया और उसने बोला कि मैं आज सबसे आगे खड़ी थी। आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। अवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट। तो उसने बोला कि हमारे इंस्ट्रक्टर थे, जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने क्या किया, अराउंड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट, उनकी पीठ के साइड में उन्होंने क्या किया, रोप जो रस्सी बांध दी। ही पुट द स्लिंग एंड हेल्ड द थिक रोप व्हिच वाज हैंगिंग। तो उन्होंने स्लिंग लगा दी, बाद में स्लिंग लगा दिया और एंड हेल्ड द थिक रोप, और अपना जो थिक रोप है वो पकड़ लिया एंड रोप व्हिच वाज हैंगिंग, जिससे वो हैंगिंग कर सके। वहाँ पर उन्होंने जो रोप है रस्सी बहुत मजबूती से पकड़ लिया। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज ही वॉज रनिंग अप। वो चढ़ना ऐसे शुरू कर उन्होंने शुरू कर दिया जैसे वो दौड़ रहे हो, ऐसे वो ऊपर चढ़ रहे थे। आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग, मैंने भी अपना जो स्लिंग है वो ले लिया, बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप, जैसे ही मैं अपना पहला स्टेप वहाँ पर रखने के लिए गई,
अस्लिप, मतलब वो वहां पर से स्लिप हो गए, अपना पैर जैसे लगा वहां पर से पैर फिसल गया। आगे बोला है एंड देयर आई वाज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप। स्विंगिंग का मतलब होता है झूलना, जैसे हम जो झूले के अंदर झूलते हैं ना, वैसे वो उनका जो पैर है वो फिसल गया और वो झूलने लगे। आगे बोला है कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पर बोला है आगे एक आवाज आई उनको कि कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, आप अपनी बॉडी को 90 डिग्री पर रखो। वाइल क्लाइंबिंग, जब आप चढ़ रहे हो तब आप अपनी बॉडी को 90 डिग्री पर रखो। कैसे रखते, यहाँ पर अगर इस तरह से हम, यहाँ पर इस तरह से हम, अगर ये रस्सी है, अगर हम चढ़ रहे हैं तो हमारी बॉडी को इस तरह से रखना है, 90 डिग्री पर हमें रखना है। देखो हमें एक पिक्चर दी हुई है पास में, वहां पर देखो वो ऊपर चढ़ रहा है और वहां पर उनकी बॉडी 90 डिग्री पर रखनी है। आगे बोला है मैंने ये सुना कि तुम्हारी बॉडी 90 डिग्री पर रखो। कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड, और आपकी जो बैक स्ट्रेट है पीठ स्ट्रेट रखो, बेंड मत होने। आगे बोला है कीपिंग दिस इन माइंड, ये सब मैंने अपने माइंड में रखा। और आगे बोला है आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप। तो ये सब मैंने इमेजिन किया और अपनी पीठ जो मैंने स्ट्रेट रखी 90 डिग्री पर, अपना जो मैंने चढ़ते हुए अपना जो पूरा बॉडी है वो 90 डिग्री पे रखा और चढ़ना में मैंने स्टार्ट किया। अगेन व्हाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप, फिर से हमें अगर नीचे उतरना था तो हमें रोप का ही यूज करना था। इन रोप, अगेन व्हाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज द रोप इन अ स्पेशली कॉल्ड रैपिंग। तो हमें नीचे उतरने के लिए जो रोप का यूज करना था उसकी जो स्पेशल वे है उसको बोलते हैं रैपलिंग। रैपलिंग का यूज करके हमें क्या करना है, नीचे उतरना था माउंटेन पे से। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस, और मैंने ये डर बिना डरे हुए भी ये काम कर लिया। तो यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग में हमने देखा कि रॉक क्लाइंबिंग में उन्होंने क्या किया, माउंटेन के ऊपर वो लोग रस्सी का सहारा लेके वो लोग चढ़ रहे। तो वहां पर उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ये मिली कि हमारी जो बॉडी है वो हमें जो माउंटेन है उसकी 90 डिग्री पर रखनी चाहिए और हमारी जो स्पीड है वो स्ट्रेट रखनी चाहिए। तो ये वजह से हम लोग वहां पर जो 90 माउंटेन पे चढ़ सकते हैं रस्सी के जरिए। अब उसके बाद आगे हमें टेल क्वेश्चन के आंसर बताने हैं कि आपने भी कभी ऐसा किया है तो क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। यह पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू एवर क्लाइंब अ ट्री, क्या आप कभी ट्री के ऊपर चढ़े हुए हो। हाउ डिड यू फील, आपको फील कैसा होता है। वेर यू स्कैर्ड, मतलब आप कब डरे थे। डिड यू एवर फॉल, आप कभी पेड़ के ऊपर से गिरे हो नीचे, तो ये आपको देखना है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि मैं गुआवा की ट्री था उसके ऊपर चढ़ा हुआ था एंड इट वॉज एडवेंचरियस, मतलब ये साहसिक कार्य था और आई फील्ड समवॉट स्कैरेड, आई हैव नेवर फॉलन फ्रॉम ट्री, और मैं ट्री से कभी नीचे नहीं गिरा हूं। तो यहाँ पर हमारा जो टेल में फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि यस आई क्लाइम अ, यस क्लाइम, अब ये मैं चढ़ा हुआ और गुआवा ट्री, जो गुआवा का ट्री होता है उसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। कब, ड्यूरिंग माय वेकेशन, वेकेशन के टाइम पे मैं गुआवा के देवघर कहते विलेज, जब मैं गांव में था तब मैं गुआवा के ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ था जो वेकेशन के टाइम पे। इट वॉज एडवेंचरस, वो कैसा था, वो बहुत ही साहसी था, एडवेंचरस था। आई फील समवॉट स्कैर्ड, कुछ चीजें थी ऐसी तो मुझे डर लग रहा था। अब आगे बोला है कि आई हैव नेवर, अब उसको पूछा है कि आप कभी गिरे थे, तो आई हैव नेवर, कभी गिरा नहीं, फॉलन फ्रॉम अ ट्री,
मैट्री के ऊपर से कपी पेड़ के ऊपर से गिरा नहीं था। तो वैकेशन के टाइम में मैं कौन से ट्री पे चढ़ा था, गुआवा के ट्री पे चढ़ा था और इट वाज एडवेंचर, ये बहुत ही साहसिक काम था और आई फील समवर्ड स्केयर्ड, आई हैव नेवर फॉलन फ्रॉम द ट्री, और मैं ट्री के ऊपर से कभी गिरा नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। आगे उसके बाद हमें सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर कि हैव यू एवर सीन समवन क्लाइंब अ स्मॉल वॉल, क्या आपने कभी किसी को छोटी दीवार पे चढ़ते हुए देखा हुआ है। व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड क्लाइंबिंग अ हाई रॉक, तो इसमें डिफरेंट क्या है, जो दीवार पे चढ़ना है या फिर रॉकिंग पत्थर पे चढ़ना है, वहां पर दोनों में से डिफरेंट क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो दोनों में से डिफरेंट ये है कि अगर हम रॉक पे चढ़ रहे हैं तो हमें जो अगर हम चढ़ रहे हैं तो वहां पर हमें पैर या हाथ, जो हमारा हाथ है वो रखने के लिए हमें जगह मिलती है और हम फिसलते कम है, और जो दीवार है वो वहां पर रफ होती है तो हमें चढ़ने में जो बहुत ही दिक्कत होती है। तो यहां पर हम हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे, डिफरेंट क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो सेकंड का आंसर है Yes, I show many times. ये सब मैंने बहुत बार लिखा हुआ है, तो देखेंगे I show many times. ये मैंने बहुत बार लिखा हुआ है। अब I think ये मैं सोचता हूँ और उसमें different क्या है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। I think climbing a high rock हाई रॉक पे चढ़ना तो यहां पर है मे बी बिट इजियर थोड़ा सा इजी होगा देन क्लाइंबिंग अ इरेगुलर देन क्लाइंबिंग अवर दीवार पर चढ़ने से ये थोड़ा इजी होगा क्योंकि बिकॉज इसके लिए रीजन भी है बिकॉज द सरफेस ऑफ अ रॉक इज जो रॉक की सरफेस होती है इरेग्युलर होती है क्योंकि वहां पर किसी कई बार के गड्ढे होते हैं और कई बार ऐसे जो निशान भी बना हुआ होता है जो रफ उसकी जो सरफेस है वो रफ नहीं होती। विथ इलेवेशन एंड डिप्रेशन फॉर्मिंग होल्स वेयर यहाँ पर एक इरेग्युलर विथ इलेवेशन आगे बोला है एंड डिप्रेशन holds where one can put his hand and feet। वहां पर एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम अपना पैर या फिर अपना जो हाथ है वहां पर वो हम रख सकते हैं। Why the surface of a wall? अब दीवार की सरफेस कैसी होती है? Why surface of a wall? दीवार की सरफेस कैसी है? Is smooth and flat. Smooth and flat.
फ्लैट, जो दीवार की सरफेस होती है वो स्मूथ होती है और फ्लैट होती है. थस इट इज डिफिकल्ट होता है हमारे, डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप वॉल. ये आप पीछे की दीवार देख लो, वहां पर एक स्मूथ है तो वहां यहां पर चढ़ना में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट अगर वहां पर रॉक है तो रॉक के ऊपर क्या होता है, इरेगुलर उसकी सरफेस होती है, वो इरेगुलर द क्लेविजन एंड डिप्रेशन फॉर्मिंग होल्स व्हेन वन कैन पुट इट, ऐसे गड्ढे भी होते हैं वहां पर और जो सरफेस है वो इरेगुलर होती है. इसकी वजह से हमारा हाथ या फिर हमारा पैर वहां पर रख सकते हैं और उसकी हेल्प लेके हम लोग वहां पर से ऊपर चढ़ सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट बता दिया कि अगर वॉल पे चढ़ना अच्छा है, या डिफरेंट बता दिया कि वॉल पे चढ़ना अच्छा है या फिर रॉक पे चढ़ना अच्छा है. तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि रॉक पे चढ़ना अच्छा रहता है, क्योंकि उसकी जो रॉक की जो सरफेस होती है वो कैसे होती है, इरेगुलर होती है, और जो हमारा यहाँ पर वॉल है वॉल की जो सरफेस होती है वो स्मूथ एंड फ्लैट होती है, इसकी वजह से रॉक पे चढ़ना अच्छा है. तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख दो. तो बच्चों यहां पर हमने देख लिया कि जो हमारे दो क्वेश्चन थे और जो रॉक क्लाइंबिंग कैसे थी वो, और जो दो क्वेश्चन थे हमने वो भी फाइंड कर लिए कि आप कभी पेड़ पे चढ़े हुए हो और आपको डर लगा है या फिर आप पेड़ पे से गिरे हो, ऐसा हमने देख लिया. और जो डिफरेंट पेड़ रॉक पे चढ़ना और जो वॉल है दीवार पे चढ़ना उसके बारे में जो दोनों में डिफरेंट क्या है वो भी हमने फाइंड कर लिया. अब यहाँ पर हमें अ फनी इंसिडेंट दिया हुआ है और आगे उसके बाद में क्वेश्चन भी पूछे. तो ये जो हमारा जो आगे यूनिट है उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. आज यहाँ तक रखते हैं. और जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर जो भी लिखवाए है वो सारे क्वेश्चन क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करना है, नोटबुक में लिखने हैं. जो क्वेश्चन लिखना है और उसके नीचे आपको उसके आंसर भी लिखने हैं. तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. थैंक यू स्टूडेंट्स.